और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। चार राज्यों के परिणाम पर मायावती ने अविश्वास जताया है, बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए। एक तरफा जीत से सभी अचंभित है, ये कहना है मायावती का। परिणामों को विचित्र बताया, विचित्र परिणाम, गले से नीचे उतरना मुश्किल है। सोशल मीडिया पोस्ट पर ये सवाल उठाए हैं मायावती ने। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के चार राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल। पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, विपक्षी पार्टियों को हार अब गले नहीं उतर रही है, जिसके चलते अब इस तरह के जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई। कल हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की बयानबाजी हुई और अब मायावती ने भी इस पर अविश्वास जताया है। देखिए, मायावती ने खुलकर तो कुछ नहीं लिखा है अपने ट्वीट में, लेकिन घुमा फिरा कर उन्होंने चुनावी नतीजों पर सवालिया निशान जरूर उठाए। उन्होंने नतीजों को रहस्यात्मक बताया है, अजूबा बताया है और आम लोगों के गले के नीचे से नहीं उतर रहा है चुनाव परिणाम, ऐसा भी उन्होंने कहा। और ऐसे नतीजों से सबको शंकित, चिंतित और अचंभित होना स्वाभाविक है। तो जनता के कोर्ट में बॉल डालकर मायावती ने अपने सारे जो कहना था वो उन्होंने कहा जरूर है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब चुनाव चल रहा था उस दौरान ऐसा लग रहा था कि कांटे का संघर्ष चल रहा है, अच्छी लड़ाई हो रही है, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए वो सबको चौंकाने वाले हैं। खुलकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन घुमा फिराकर जो परिणाम है उस पर सवालिया निशान जरूर लगाए। हालांकि उन्होंने 10 दिसंबर को अपनी पार्टी की ऑल इंडिया बैठक बुला ली है और इनके चुनाव नतीजों की समीक्षा होगी और लोकसभा चुनाव में जो जुटने की रणनीति होगी उसको तैयार की जाएगा। लेकिन ऋषभ मणि, एक बात तय है कि मायावती ने जिस तरह से इनडायरेक्टली कहा जाए सवाल खड़े किए हैं, इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से कह सकते हैं कि उथल पुथल देखी जा सकती है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के को भी एक तरफ मौका मिल गया है सवाल खड़े करने का, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अब क्या रिएक्शन आते हैं इसको लेकर यह देखना भी काफी ज्यादा अहम होगा। देखिए, बीते कुछ चुनाव अगर उत्तर प्रदेश के देखे जाएं या राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाएं, बसपा का जनाधार गिरा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव या जो हिंदी पट्टी के 3 राज्य हैं जिनके कल चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें भी 2018 में 6 सीटें होती थी बहुजन समाज पार्टी के पास, इस वक्त सिर्फ 2 सीटें बची हैं उनके पास। वोट प्रतिशत अगर समाजवादी पार्टी से कंपेयर किया जाए तो उससे बेहतर रहा है इन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन उनके लिए जाहिर सी बात है ये परिणाम अच्छे नहीं है। तो जो पहला आसान तरीका है उन्होंने वही अपनाया है कि चुनावी नतीजों पर सवालिया निशान लगाए हैं और कहा है आम लोगों के गले के नीचे से नहीं उतर रहा है चुनाव परिणाम, सबको चिंतित होना चाहिए, शंकित होना चाहिए, अचंभित हैं लोग इससे। तो अब अपनी राजनीति किस तरह ले जानी है बहुजन समाज पार्टी को, बसपा सुप्रीमो मायावती को, उसको लेकर अब 10 दिसंबर को एक अहम बैठक होगी जब उनके राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता रहेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन जनता का जो फैसला आया है इस तरह की बयानबाजी देखकर लगता है कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हार को अपनी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, जब एग्जिट पोल भी आए थे उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि ये कांटे की टक्कर हो सकती है राज्यों में, लेकिन जो चुनाव परिणाम आया है वो एक तरफा है, एक पार्टी के पक्ष में दिख रहा है और वो चुनावी नतीजों से साफ हो गया है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं फखरुल हसन जी। फखरुल जी, बहुत स्वागत है आपका। मायावती का ट्वीट सामने आया है, शायद हो सकता है आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने जो कल रिजल्ट आए उसको शंकित, अचंभित और साथ ही चिंतित होने वाला बताया जनता के लिए, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, जो मुद्दे हैं, जो गरीबों के मुद्दे हैं, किसानों के, नौजवानों के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। और समझने वाली बात यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत वो लगातार इस बात पे टिप्पणी करती रही है कि जो मुफ्त की रेवड़ियां मिल रही हैं जिनसे मुद्दे पीछे चले जा रहे हैं, वो सब बहुत बड़ा कारण है इस चुनाव परिणाम को देखने के बाद।
ऐसा लगता है कि जो जनता समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी बहन जी के इस स्टेटमेंट के साथ में मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो बहन जी को समझना चाहिए कि ये मुफ्त की जो रेवड़ियाँ हैं ये बहुत बड़ा कारण है इन सब चुनाव परिणाम के पीछे, क्योंकि जो लड़ाई है जो समाजवादी लड़ाई आप लोगों ने भी खूब बांटी ना, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत बांटी थी। नहीं नहीं, क्या क्या मुफ्त की रेवड़ी बांटी बताइए, क्या मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी? ये तो 2018 से बढ़ती आ रही है सर, कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये तो आपको याद होगा। आलोक अवस्थी हमारे साथ में जुड़ के मैं लौटूंगी आपके पास में, बीजेपी से प्रवक्ता है सर, बहुत स्वागत है आपका। मायावती ने एक ट्वीट किया है और जो कल 4 राज्यों के परिणाम आए हैं उस पर सवाल खड़े किए हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने इन जो परिणाम सामने आए हैं उनको अचंभित करने वाला बता दिया, साथ ही जनता के लिए चिंतित होने वाला बता दिया। देखिए, जब चुनाव हार जाते हैं नेता तो सबसे आसान काम होता है कि ईवीएम के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ दीजिए, तो यह नहीं देखते कि लगातार विश्वसनीयता नेताओं की कम हो रही है, जिनकी नेताओं की विश्वसनीयता कम होगी उनको वोट नहीं मिलेगा, जनता उनको पसंद नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास उनके नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मेरे साथ में फखरुल हसन जी भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई इसलिए जनता ने वोट दिया है। मुझे लगता है कि यह अवसर तो सभी के लिए पास था, तो कांग्रेस ने क्या मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी है क्या, फिर क्यों हार मिली? ये रेवड़ियां और जनता के काम से अलग हटकर के परसेप्शन की लड़ाई होती है, और जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, गरीबी के लोगों को ऊपर से सीमा से 11 करोड़ लोगों को ऊपर उठाया है, तमाम जगहों पर जो है। लेकिन आलोक जी, जब हार होती है तभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं, इसके पीछे आप क्या बड़ी वजह देखते हैं? तो बात यही है कि नकारा नेतृत्व तो है, हार जाएगा तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाए, तो वो बेमानी का ठीकरा फोड़ता है। अगर बेमानी होती तो तेलंगाना में कैसे कांग्रेस जीत जाती, या इसके पहले जो चुनाव हुए हैं, या मायावती जी स्वयं जब चुनाव लड़ी थी और उनको पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी तो कैसे बनी थी, वो भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ था और उस समय। तो यह एक बहाने ठीक है, इस पर मैं जवाब लेती हूँ फखरुल जी। कल देखिए तेलंगाना के भी नतीजे सामने आए, वहाँ पर वहाँ के भी रिजल्ट आपने देखे होंगे, जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियां जीतती हैं उन सबको छोड़ दिया जाता है, बीजेपी की जीत पर ही सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? सुन लिया। सबसे पहले ईवीएम पे सवाल खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लालकृष्ण आडवाणी जी जब 2009 का लोकसभा चुनाव हारे थे तो यही लालकृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही थी। आज आलोक अवस्थी जी की भाषा बदल गई क्योंकि आज ये सत्ता में है, और जब ये कहते हैं कि देश की सुरक्षा सीमाएं सुरक्षित है तो चीन के सीमा पे क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। जब ये कहते हैं कि 11 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 80 करोड़ को तो आप अगले 5 साल तक और अनाज देने की योजना लाए, किसको आपने निकाला है? देश की 135 करोड़ आबादी में 80 करोड़ को आप अनाज देख रहे हैं, दे रहे हैं, आप बता रहे हैं आप सरकार चला रहे हैं? आप सरकार नहीं, आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट के सत्ता हासिल कर रहे हैं, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की। आप बताओ ना कि नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था ना आपने, क्या हुआ उस वादा का? किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था ना, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दे तो सर देखिए, जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी खूब बुनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ना बीजेपी बहुत आराम से क्लीन स्वीप कर गई। नहीं, मैं तो आलोक अवस्थी जी की उस बात का जवाब दे रहा हूँ जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही ईवीएम पे सवाल उठाया था। आज इनकी सत्ता है, इनके लिए ईवीएम पे प्यार देता है, इलू बोल रहे हैं, लेकिन जब ये सत्ता नहीं होती है तो ये भी ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन कल तेलंगाना में हार हुई तब बीजेपी की तरफ से तो देखिए एक भी ऐसा बयान सामने नहीं आया। मैं तो 2009 याद दिला रहा हूँ कि सबसे पहले इस देश में ईवीएम पे सवाल खड़े करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इतिहास उठा के देखिए, लालकृष्ण आडवाणी जी की प्रेस। चलिए उस पर मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन आप बताइए ना क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी वहाँ कुछ सीटों पर लड़ी थी, हमें बेहतर परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस ने निराश किया है लोगों को, जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, जिस तरीके से जमीन पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए था, जिस तरीके से सबको साथ लेके चलना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बाद और भरोसा दिलाने के बाद वो विश्वास जता पाई जनता का। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं आलोक जी का। ठीक है सर, आलोक जी किस तरह से जवाब देंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ हाँ,
मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो पार्टी आतंकवादियों और दंगाइयों का साथ देती रही हो, गुंडागर्दी जिसकी मेन मूल उसकी अवधारणा रही हो, उसके शासनकाल को जनता ने नकारा हो, लगातार चुनाव हरा रही हो, वो इस तरह की बात कर रही है। आज उनकी हैसियत क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लोकसभा सीटों पर वो केंद्रित है। वो चुनाव बाहर के राज्यों में गए थे, मात्र 0.5% वोट शेयरिंग करके वो चुनाव लड़के आए हैं। बातें बड़ी बड़ी करा लो, लेकिन जब शासन खुद को मिलता है तो उसमें भेदभाव करके जो है जनता के साथ भेदभाव करते हैं, लगातार अपराधियों और दंगाइयों का जो है वो साथ देते हैं। इस तरह की पार्टी, समाजवादी पार्टी की जो दशा है, आगे भी दुर्दशा रहेगी। और 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, यानी 2024 की सर तैयारी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से जरूर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका ये भी साइड कि कहीं ना कहीं हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। पर आपको बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और साथ ही बहुत शुभकामनाएं बीजेपी की इस जीत के लिए। और फखरुल हसन भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।